आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी रेन लिली के बारे में। रेन लिली गर्मियों में बहुत फूल देती है और ये आप कितना भी इसमें पानी डाल लीजिए, कितनी भी खाद डाल लीजिए, ये आपको फूल बारिशों में ही देते हैं। एक बौछार पड़ते ही इसमें फूल लग जाते हैं। तो अब हम इसको कैसे तैयार करें अपने सीज़न के लिए कि जब भी इसमें बारिश पड़े तो इसमें फूल खिलें, तो इसके लिए देखिए अब इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसको रीपॉट करूंगी और इसका गमला भी पूरा ख़राब हो गया है और इसको मैं बताती हूं कि कैसे मैं फिर से इसको रीपॉट करती हूं और क्या खाद डालूंगी, क्या मिट्टी डालूंगी इसके अंदर, और ये बहुत अच्छे फूल देगा अपने सीज़न पर। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसके गमले को खाली कर दूँगी। मैंने गमले को खाली कर लिया है और इसके अंदर से ये गांठें निकली हैं। ये प्याज जैसी गांठ निकलती है, ये पिंक रेन लिली है और इसको अब हम कैसे लगाएं कि ये खूब फूल दे। तो मैं यही वाली मिट्टी को यूज़ करूँगी। इसके अंदर जितनी मिट्टी है उतनी रेत, यानी कि एक भाग रेत, एक भाग मिट्टी और एक भाग खाद, इसमें मिश्रण अच्छे से तैयार करके और एक गमले में भर लूँगी। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप रेत की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं उसको फैलने में आसानी रहती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और एक बात और, जब हम ये बल्ब्स लगाते हैं, ये देखिए, तो जितनी मोटी ये गांठ होती है फूल भी उतने अच्छा आता है और जल्दी आ जाता है। अगर हम छोटी गांठ लगाते हैं जैसे कि ये, तो फूल हो सकता है नहीं भी आए और आएगा भी तो बहुत लेट आएगा। ये आप देख लीजिए कि मैंने इसके अंदर तीनों भाग बराबर बराबर रखे हैं। एक भाग खाद है, एक भाग रेत है और एक भाग मिट्टी है। इन तीनों को मिक्स करके ये गमला है मेरा। गमला अच्छे से, इसमें सुराख है, इसमें से पानी रुकेगा नहीं। अब इतने सारे सुराखों को मैं एक न्यूज़पेपर से ढक दूंगी और इस न्यूज़पेपर में थोड़ा सा छेद भी कर दूंगी, ऐसे करके ये, और ऐसे करके इसे इसके अंदर रख दूंगी। इसके अंदर मैं पॉटी मिक्स भर रही हूँ। अच्छे से दबा दबा के भर दीजिए। रेत मिट्टी और खाद का जो मिश्रण बनाते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है वो। और इसके अंदर मैं ये जो रेन लिली के बल्ब्स हैं वो उसको रखूंगी। मैं इसके अंदर मोटे मोटे बल्ब्स लगा रही हूँ। अगर आपको कहीं से ये बल्ब मिल जाते हैं तो आप लगा लीजिए। हो सकता है कि ये सीज़न पे आपको फ्लावरिंग दे दे, और नहीं देगा तो ये नेक्स्ट सीज़न पे आपको फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। ऐसे आप इसके अंदर, ये देखिए, इसके अंदर से एक और बल्ब बन रहे हैं। इसको मैं हटा दूंगी और इसको इसमें रख दूंगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मोटे मोटे बल्ब इसमें लगाए हैं जिससे अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हो इस पे सीज़न में। और ये जो छोटे बल्ब्स हैं इनको मैं किसी और गमले में लगा लूँगी। और इस गमले को मैं ज़्यादा मिट्टी से नहीं भरूँगी, क्योंकि समय के साथ साथ जब इसकी जड़ें नीचे फैलती हैं तो ये गांठें भी ऊपर की ओर आने लग जाती हैं। एक टाइम अगर हम इसको रिपॉटिंग नहीं करें तो आप देखेंगे कि आपका गमले के अंदर ये जो गांठें हैं अपने आप ही ऊपर की ओर आ गई हैं।
और इसको अब मैं मिट्टी से भर दूंगी। मिट्टी से भरने के बाद आप इसमें पानी डाल दें, और इसमें आप पानी डालेंगे तो इसकी मिट्टी को हमेशा गीला नहीं रखना, हमेशा एकदम मिट्टी नम नहीं रहे। जब इसे सूख जाए ऊपर की लेयर तभी आप इसमें पानी डालिए, क्योंकि जो गांठें होती हैं इनके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है, और जब प्लांट को पानी नहीं मिलता तो ये गांठों से ही इनका गुजारा चल जाता है, और ये इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सिर्फ इसकी मिट्टी को तभी पानी दीजिए जब ये ऊपर की लेयर आपको लगे कि ये सूख गई है। ऐसे आप ठोक दीजिए जिससे ये एडजस्ट हो जाए। जब तक इसका सीज़न आएगा तब तक ये पौधा अच्छे से जम जाएगा, और जैसे ही बौछार पड़ेगी इसमें फ्लावरिंग भी होगी। लगाने के बाद एक बार से ऐसे ठोक दीजिए, वो सेट हो जाएंगे अपने आप ही। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे रेन लिली की गांठों को लगाना है आपको, और अब मैं बात करती हूँ इसके खाद की। इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा लगता है, आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए इसको। वैसे तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और आप चाहें तो इसमें एनपीके भी दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एनपीके, तो इनमें से कोई सा भी फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। और आप इसको समय समय पर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, और इसको छाया में रखिए। बहुत तेज़ गर्मी के अंदर इसके पत्ते देखिए ये जल जाते हैं, तो जलने से क्या होगा कि इसमें अच्छी ग्रोथ भी नहीं होगी, और आपका जो नई पत्तियां आएंगी वो भी जल जाएंगी। तो इसको मैं ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे थोड़ी धूप मिले इसको और छाया रहे। इसको 1-2 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए और छाया रहे, या फिर शाम के जाती हुई धूप मिले इसे और दिन भर छाया रहे, तो हमारा ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। एक बार जब भी आप इसको लगाएं तब इसे आप अच्छे से पानी से भर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम पानी तब दें इसके अंदर जब ये इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए। वो आपको पता लग जाएगा कि इसकी मिट्टी सूख गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है जो आपको मैंने बता रखा है कि गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं, या कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। ये वाला फर्टिलाइज़र, ये जो मैंने कंडों से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, इसमें ह्यूमिक एसिड होता है। ह्यूमिक एसिड जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी बारीक जड़ों के बढ़ने के लिए बहुत सहायक होता है। पौधे को जमने के लिए, मतलब उसकी ग्रोथ मिट्टी में अच्छी सी हो, उसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छे से हो, उसमें बहुत सहायक होता है। तो आप अभी जैसे आज मैंने प्लांट लगाया तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी ऐसे करके, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसे डाल दो इसमें। और जैसे कि 2-3 चम्मच के बराबर इसमें डाल दूंगी, और हफ्ते में एक बार ये ह्यूमिक एसिड इस प्लांट में डालूंगी, और इसकी ग्रोथ और इसके अंदर जो फ्लावरिंग होगी, पहले तो मैं इसकी ग्रोथ दिखाऊंगी कि इसकी ग्रोथ कैसी हुई है। और उम्मीद करती हूँ आप भी ऐसी रेन लिली के पौधे अपने घर लगाएंगे। रेन लिली जो है कई कलर्स में आती है, एक मैंने वीडियो डाल रखा है पहले से ही रेन लिली का, जो कि वाइट क्रीम कलर की हैगी, और एक मेरे पास येलो कलर की रेन लिली है जिसे हम जंगली रेन लिली कहते हैं, वो येलो कलर की है, और एक ये पिंक कलर की रेन लिली है। फ्लावर बहुत अच्छा आता है, आप इसके बल्ब्स नर्सरी से भी ले सकते हैं, और प्लांट भी नर्सरी में मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना, अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।